नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन सेशन नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम पढ़ेंगे पीआरए नोट्स की यूनिट 10 टीपीए संचालन और नकद प्रबंधन। टीपीए ऑपरेशन एंड कैश मैनेजमेंट। किस तरीके से टीपीए, टीपीए मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो किस तरीके से संचालित होती है और किस तरीके से कैश मैनेजमेंट होता है, वो एक पीआरए को पता होना चाहिए। उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं कार्यसूची के अंदर। पहले हम पढ़ेंगे थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन संचालन नकद प्रबंधन, जो हम स्लाइड नंबर 5 पर पढ़ेंगे। दूसरा, लेखांकन के सिद्धांत और अवधारणाएं, जो हम स्लाइड नंबर 7 पर पढ़ेंगे। तीसरा, लेखांकन सिद्धांत, जो हम स्लाइड नंबर 8 पर पढ़ेंगे। चौथा, लेखांकन सिद्धांत का महत्व, जो हम स्लाइड नंबर 9 पर पढ़ेंगे। पाँचवा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो हम स्लाइड नंबर 10 पर पढ़ेंगे। छठा, टीपीए या तृतीय पक्ष प्रशासन या तृतीय पक्ष प्रशासक, जो हम स्लाइड नंबर 12 पर पढ़ेंगे। सातवां, टीपीए या तृतीय पक्ष प्रशासकों की आवश्यकता, जो हम स्लाइड नंबर 13 पर पढ़ेंगे। आठवां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य, जो हम स्लाइड नंबर 14 पर पढ़ेंगे। नौवां, रोगी देखभाल के लक्ष्य, जो हम स्लाइड नंबर 15 पर पढ़ेंगे। दसवां, तृतीय पक्ष प्रशासकों का राजस्व मॉडल, जो हम स्लाइड नंबर 16 पर पढ़ेंगे। ग्यारहवां, भारत में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ नाम, जो हम स्लाइड नंबर 18 से 19 पर पढ़ेंगे। बारहवां, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जो हम स्लाइड नंबर 20 पर पढ़ेंगे। तेरहवां, भुगतान के तरीके, जो हम स्लाइड नंबर 21 पर पढ़ेंगे। चौदहवां, विभिन्न विदेशी मुद्राएं और उनका वितरण, जो हम स्लाइड नंबर 23 पर पढ़ेंगे। पंद्रहवां में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, जो हमें स्लाइड नंबर 36, 11वीं, 17वीं और 22 पर मिलेगा। तो आइए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, टीपीए संचालक और नकद प्रबंधन क्या होता है। लेखा सिद्धांत परिभाषा, लेखा सिद्धांत मानक प्रथाएं हैं जिनका पालन कंपनियां अपनी वित्तीय रिकॉर्डिंग तैयार करने और प्रस्तुत करने में करती है। एक कंपनी वित्तीय बनाने के लिए बाध्य स्वीकार और व्यवहार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, ताकि कंपनी के मामलों को एक निष्पक्ष और सटीक तस्वीर सामने आ सके। मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि वह पर्सन जो अपना इलाज तो ले रहे हैं, पर उनका जो पेमेंट है वो कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा है। तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें पेशेंट का पैकेज में डालकर उसे ट्रीटमेंट देना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। टीपीए में जैसे हमारे भामाशाह या चिरंजीवी योजना चलती है, तो वो एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव है। मतलब जो पेशेंट या मरीज अपने हॉस्पिटल में केयर ले रहा है, तो उसका जो भी खर्चा वगैरह आता है तो उसका पेमेंट गवर्नमेंट देती है, तो वो एक टीपीए का उदाहरण होता है। जैसे अभी रिसेंट में आरजीएचएस चल रहा है राजस्थान गवर्नमेंट स्टेट का, तो उसमें क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो भी फैमिली कार्ड है, उनका आरजीएचएस का कार्ड बनता है, और उसमें जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो उस पर्सन पर डिपेंडेंट है, तो वो अपने अगर उन्हें कभी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है, वो एक बीमा की तरह होता है कि भाई हम लोगों को या हमारे जो मरीज हैं उन लोगों को अगर आर्थिक रूप से सहायता मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये भी एक टीपीए का उदाहरण है। अभ्यास प्रश्न एक, तृतीय पक्ष प्रशासक क्या है। एक तृतीय पक्ष व्यवस्थापक एक कंपनी है जो किसी अन्य कंपनी को अनुबंध के तहत दावा प्रस्करण सह कर्मचारी लाभ प्रबंधन जैसी परिचालन सेवाएं प्रदान करती है। द, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये तीनों चीजें उस टीपीए में होती है। लेखांकन के सिद्धांत और अवधारणाएं, क्या क्या सिद्धांत है और क्या क्या अवधारणाएं हैं। व्यापार के आकार की परवाह किए बिना लेखांकन और बुनियादी लेखांकन सिद्धांतों व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हाँ अनादिकाल से ऐसा ही बना हुआ है। आधुनिक समय के परिणाम स्वरूप नवीनतम प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है, इसीलिए लेखांकन सॉफ्टवेयर व्यवसायों के लिए अपने दैनिक लेखांकन करने के लिए एक आवश्यकता बन गया है।
जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या फर्स्ट सिद्धांत है कि वो एक बिजनेस के तौर पर अपना पेमेंट कट करवाती है और आर्थिक रूप से सहायता देती है। जैसे ESIC है, तो जो भी एम्प्लॉय है जो लिमिटेड कंपनीज में वर्क करते हैं तो उन्हें क्या करती है, वो बीमा देती है। उस बीमा के अंदर क्या होता है कि वो महीने के अंदर एक स्मॉल अमाउंट में मनी अपनी सैलरी में से कटवाते हैं, और जब उनकी फैमिली में अगर कोई बीमार होता है या उसे हेल्थ फैसिलिटी चाहिए होती है तो वो ESIC कार्ड के थ्रू जाकर अपने हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। कुशल लेखांकन के माध्यम से किसी व्यवसाय के वित्तीय लेनदेन की ट्रेनिंग और रिकॉर्डिंग किसी संगठन के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है। बाहरी और आंतरिक हितधारक, बैंक, नियामक प्राधिकरण और अन्य संस्थान दोनों संगठन के स्वास्थ्य और ऋण सुविधाओं का आकलन करने के लिए इन व्यावसायिक वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हैं। मानक दिशा निर्देश या लेखांकन में उपयोग किए जाने वाले नियम किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड और ट्रैक कर रहे हैं और रिकॉर्ड से वित्तीय विवरण तैयार कर रहे हैं। इन्हें लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। वे एक फर्म वित्तीय वितरणों को तैयार करने के और रिकॉर्ड करने में उपयोग किए जाने वाले आधार दिशा निर्देश बनाते हैं और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत GAAP भी कहा जाता है। आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत GAAP सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय विवरण सटीक और समान रूप से और विश्व स्तर पर वित्तीय रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने में सुसंगत है। उन्होंने यह प्रोटोकॉल या कुछ प्रोटोकॉल दिए हैं जिनका लेखांकन अवधारणाओं और मानकों को स्थापित किया जाता है, जो कि सभी व्यवसायों और कंपनियों को लेखांकन करते समय पालना करना है और उनसे अपेक्षा भी की जाती है। मतलब अगर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोटोकॉल लागू करती है तो वो हमें लागू करना पड़ता है। ये चीज़ PRA को मालूम होनी चाहिए ताकि वो अपने पेशेंटों को थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव का लाभ बता सकते हैं, उनका महत्व बता सकते हैं, जो कि सभी व्यवसायों और कंपनियों को लेखांकन करते समय पालना करना चाहिए और उनसे अपेक्षा भी की जाती है। ये किसी संगठन की रिपोर्ट या बैलेंस शीट या लाभ और हानि विवरण जैसे बयानों में देखा जाता है। समय कुशल रिपोर्ट और सटीक वित्तीय विवरण प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे कि अगर हमारा सोनी इंस्टीट्यूट है और सोनी हॉस्पिटल्स हैं तो उसके अंदर जितने भी TPA हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जैसे ESIC, चिरंजीवी योजना, जननी सुरक्षा योजना और RGHS, तो इन सभी के जितने भी TPA हमारे हॉस्पिटल में ले रखे हैं तो उनके जो भी प्रोटोकॉल होते हैं हमें मालूम होना चाहिए। उसी तरीके से हमें उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। हर चीज़ मतलब हमें सटीक बनाकर चलना है, उसे समान रूप से करना है। अगर कोई LIC बीमा ले रखा है, उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में मनी मिलता है, तो उस चीज़ में भी हमें किस तरीके से हमारा प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तभी उस पेशेंट या पेशेंट के फैमिली वालों को क्लेम पास होगा। तो ये सारी चीज़ें एक PRA को मालूम होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अंदर क्या होता है जो हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत जो गरीब लोग असंगठित क्षेत्रों में कामगार हो लोग हैं उनके लिए ये लागू की गई थी। उन्हें चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपये की धनराशि का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। ये सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट था उसने ये बताया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सहायता से सरकार अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में देश के गरीब नागरिकों को कैशलेस उपचार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार
5 की इकाई शामिल किए जाएंगे। जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल था या गवर्नमेंट की जो योजना थी उसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए कुछ एक बड़ी असुरक्षा, इनका बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, बार बार बीमार पड़ना तथा उक्त कामगारों एवं उनके परिवारों के सदस्यों की चिकित्सा देखभाल तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के बावजूद इनकी बीमारी भारत में मानव वंचित रहने की सर्वाधिक कारणों में से एक बनी हुई है। तो इन सभी चीजों को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चालू की गई थी। अभ्यास प्रश्न 2, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुरक्षा में कितनी धनराशि का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? अ 20,000, ब 50,000, स 30,000, द 10,000। सही उत्तर है 30,000। टीपीए या तृतीय पक्ष प्रशासक, टीपीए या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर एक कंपनी, एजेंसी और संगठन होता है जिसके पास बीमा कंपनी के अकाउंटिंग इकाई के रूप में कैशलेस सुविधा प्रदान करने के अलावा दावों, कॉर्पोरेटर और खुदरा नीतियों को संसाधित करने के लिए बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA से लाइसेंस होता है। मतलब RIDA से एक लाइसेंस मिला होता है हॉस्पिटल को ताकि वो कैशलेस पेमेंट कर सके, कैशलेस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ले सके या हॉस्पिटल उन्हें कैशलेस ट्रीटमेंट दे सके। उसका जो कैश पेमेंट होता है वो जो कंपनी से बीमा आधारित कंपनी होती है वो पे करती है। टीपीए कार्य करता है बीमा प्रदाता और बीमा धारक के बीच मध्यस्थ के रूप में। इसमें शामिल हितधारक इस प्रकार है, बीमा कंपनियां स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पॉलिसी धारक 2001 में आई थी। IRDA द्वारा पेश किए गए टीपीए नीचे सूचीबद्ध बीमा के विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं को संभालते हैं। सूचनाओं को स्वीकार करना, कैशलेस दावों को मंजूरी देना, दावों का वितरण, उपयोग समीक्षा प्रदान, नेटवर्क नामांकन, प्रीमियम संग्रह, कैशलेस प्रसाकरण यदि और कब पॉलिसी धारक को बीमा प्रदाता के सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, बाद वाला बिल का भुगतान करता है, मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे कि निम्नलिखित थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, एम्बुलेंस सेवाएं, विशेष परामर्श बेड की उपलब्धताएं 24 घंटे, टोल फ्री हेल्पलाइन, जीवन शैली प्रबंधन, कल्याण कार्यक्रम, चिकित्सा आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, डेटाबेस, रखरखाव, ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो एक मरीज को सारी सुविधाएं प्रदान करती है। अगर वो किसी हॉस्पिटल के मेडिकल से भी पेमेंट करके दवाई लेता है तो उसके बिल के आधार पर उसे वापस से पेमेंट कर दिया जाता है। उद्योग परिवेक्षक के अनुसार टीपीए निम्नलिखित परिवर्तन ला सकते हैं, अधिक दक्षता, गुणवत्ता, बेहतर मानकीकरण और उचित स्वास्थ्य सेवाओं के ज्ञान के आधार में वृद्धि, नए प्रबंधन प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा की अंगठित या अधिक पेट लागत, व्यय को कम करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना, जांच और अनावश्यक देरी से बचने के लिए कम बीमा प्रीमियम के लिए मार्ग प्रशस्त करें, फिर भी टीपीए के कामकाज के उद्देश्य और जमीनी वास्तविकताओं के बीच बहुत विसंगति है, नतीजतन देश में बढ़ते और जटिल स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में टीपीए की प्रभावकारिता पर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है टीपीए? अगर कोई फैमिली पर्सन लिमिटेड में वर्क कर रहा है या गवर्नमेंट में वर्क कर रहा है तो वो इस सुविधा का लाभ ले सकता है, कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है। अगर उसने कैश पेमेंट किया है तो उसका बिल पारित किया जाता है, उसका बिल पास किया जाता है और पेमेंट रिटर्न हो जाता है। इसीलिए टीपीए का एक स्थानांतरीकरण वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। राष्ट्रीय सेवा बीमा योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं वो पढ़ेंगे हम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बीमार होने पर अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इस सभी परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया गया था।
इस योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर कामगार और लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, जिसके जरिए सभी लोग अपना इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवा सकें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए स्वास्थ्य आघातों से उत्पन्न वित्तीय देयताओं से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें अस्पताल में भर्ती करना शामिल है। जो पर्सन आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। रोगी देखभाल के लक्ष्य, रोगी के साथ एक पेशेवर और पारस्परिक रूप से संतोषजनक संबंध स्थापित करना है। एक पीआरए को रोगी के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि वो संतोषजनक हो, पारस्परिक रूप से अपने संबंध को स्थापित करें। रोगियों को उनकी मौखिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और उपचार विकल्पों के बारे में सूचित करना। हमारे ज्ञान, कौशल और निर्णय को लगातार बढ़ाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। तृतीय पक्ष प्रशंसकों का राजस्व मॉडल एक विचार के है कि टीपीए का संगठन और राजस्व सृजन मॉडल उनकी सफलता की सीमा निर्धारित करेगा। टीपीए का मुख्य या प्रमुख राजस्व शुल्क या प्रीमियम पर कमीशन के रूप में आता है, जिसे आईआरडीए द्वारा मान्यकृत किया जाता है। टीपीए के राजस्व के अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, लाभ प्रबंधन प्रदाता, नेटवर्क प्रबंधन, डेटा प्रबंधन, चिकित्सा प्रबंधन एवं दवा प्रशासन। ये चारों पॉइंट शामिल होता है, तभी जाकर पेशेंट का केस उसे पास किया जाता है हॉस्पिटल को। अभ्यास प्रश्न 3, निम्नलिखित में से टीपीए के राजस्व के स्रोत में शामिल है लाभ प्रबंधन प्रदाता, नेटवर्क प्रबंधन, डेटा प्रबंधन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से टीपीए के राजस्व के स्रोत में शामिल है लाभ प्रबंधन प्रदाता, नेटवर्क प्रबंधन प्रदाता, डेटा प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भारत में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ नाम हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। भारत में कुछ तृतीय पक्ष के प्रशासक, फर्स्ट है मेडी असिस्टेंट इंडिया टीपीए प्राइवेट लिमिटेड, यूनाइटेड हेल्थ केयर प्रारेख टीपीए प्राइवेट। तीसरा, लिमिटेड मेडिटेक टीपीए सर्विसेज लिमिटेड। फोर्थ, एमडी इंडिया हेल्थ केयर टीपीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। पांचवा, फैमिली हेल्थ प्लान टीपीए लिमिटेड फोकस हेल्थ सर्विसेज टीपीए प्राइवेट। छठा, लिमिटेड विडाल हेल्थ टीपीए प्राइवेट लिमिटेड हेरिटेज हेल्थ टीपीए प्राइवेट। सातवां, लिमिटेड विपुल मेड कॉप टीपीए प्राइवेट लिमिटेड रक्षा टीपीए प्राइवेट। आठवां, लिमिटेड रोथ शील्ड हेल्थ केयर टीपीए सर्विसेज लिमिटेड डेडिकेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज टीपीए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दसवां, लिमिटेड नंबर एरिक्सन टीपीए हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ग्यारहवां, श्री गोकुलम हेल्थ सर्विसेज टीपीए प्राइवेट लिमिटेड। बारहवां, सेफेव टीपीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तेरहवां, स्पर्थी मेडी टेक टीपीए सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये जितनी भी कंपनीज हैं इनके थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है, ये अपने एम्प्लॉयज को मंथली या साल का इतना अमाउंट काट के इनके लिए हेल्थ फंड में डालती है, और जब उस वर्कर को या एम्प्लॉय को हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके लिए वो सारा खर्चा उठाती है। जैसे सरस है, महिंद्रा है, या अपने जेसीबी, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो अगर इन ये अपने हेल्थ केयर फंड में से वर्कर्स को एक सर्विस प्रोवाइड करती है और उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिलाने में हेल्प करती है, ये काम होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं, हम अब पढ़ेंगे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इस SDR कहते हैं। SDR में यूरो, पाउंड, येन और डॉलर है। IMF की स्थापना 1944 में की गई थी। विभिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौतों की रूपरेखा तैयार की थी। भुगतान के तरीके, किस तरीके से हम भुगतान कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में, नगद चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर। अभ्यास प्रश्न 4, निम्नलिखित में से भुगतान के तरीके क्या है? नगद चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। विभिन्न विदेशी मुद्राएं और उनका विवरण। सभी प्रमुख मुद्राएं हर तीन मिनट में अपडेट की गई दरों के साथ शामिल है। भारत में लाइव विदेशी मुद्रा विनिमय दरें UAI दिरहम 20.74, इनार, न्यूजीलैंड डॉलर 52.52 इनार, कैनेडियन डॉलर 60.84 इनार, स्विस फ्रैंक 81.5 इनार, अमेरिकन डॉलर 75.78 इनार। मतलब हमारा भारत का एक रुपया बराबर है UAE दिरहम में 20.74 इनार के रूप में। न्यूजीलैंड का डॉलर हमारे एक रुपया बराबर है 52.52 इनार। मतलब अगर वो हमें एक रुपया देते हैं तो हमें उन्हें 52.52 डॉलर में पे करना होता है। कैनेडियन डॉलर एक रुपये का बराबर 60.84 इनार, स्विस फ्रैंक 81.54 इनार, अमेरिकन डॉलर 75.78 इनार। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।